हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं लाया हूँ ये साइकिल का ब्रेक वायर है। ये जो ब्रेक देखते हैं, ब्रेक लगाने के बाद यही जो है आपके साइकिल में ब्रेक को लगाता है। तो ये जो वायर आप देख रहे हैं, इस वायर में देखें कि ये दोनों जो है जहाँ पर ब्रेक लगाया जाता है इस तरह से, वहाँ पर ये दोनों अटैच होगा और ये वायर को इन दोनों जो है आपस में लॉक करता है। ये देखें, इसमें एक हॉल रहता है, इसमें हॉल में इस तरह से डाल करके उसके बाद इस नट से इसे टाइट कर दिया जाता है, तो ये बिल्कुल आसानी से टाइट कर देगा। ये जो है काफ़ी बेस्ट होता है। एक जो आता है सिर्फ नट लगा हुआ, और ये जो है वो अलग ही रहेगा। उसमें क्या होता है कि ज़्यादा टाइट करने के बाद वो टूट जाता है। ये जो देख रहे हैं काफ़ी बेस्ट रहेगा, इसका थोड़ा सा वजन भी ज़्यादा है और ये बिल्कुल हैवी में लग रहा है, तो मैं इसी को यूज करने वाला हूँ साइकिल में ब्रेक को। और ये देखें इस ब्रेक में आपको क्या क्या देख, ये जो वायर देख रहे हैं इसे मैं आपको इस तरह से खोल करके दिखाऊंगा। ये देखें, इस वायर को आसानी पूर्वक इस तरह से लपेट दिया जाता है, दोनों सेम में पैक होकर के रहता है। और ये दोनों वायर जो है, आगे ब्रेक और पीछे का जो ब्रेक होता है, उन दोनों का ये वायर है। अब देखें ये सभी वायर में आपको एक लेंथ में आ जाता है ये वायर। अब देखें इसमें क्या है कि ये वायर जो आप देख रहे हैं, ये लोहे के वायर रहता है, ये आयरन के वायर रहता है। बिल्कुल स्मूथली रहेगा न्यू में, क्योंकि इसमें हल्के ऑयल का यूज कर दिया जाता है जो इसे बिल्कुल स्मूथ रखे। जो है इसका क्लिप है जो इसे लॉक करके रखेगा, और ये वायर को इसमें अटैच कर दिया जाता है। ये बिल्कुल, ये यहाँ से नहीं टूटेगा, ये बिल्कुल हैवी हो जाता है। दोनों में देखें तो दोनों में आपको इस तरह से सेम देखने को मिलेगा। और ये जो देख रहे हैं ये प्लास्टिक है, इसके नीचे भी जो है एक लोहे का इस तरह से स्प्रिंग टाइप का बना करके उसके बाद ऊपर से कवरिंग कर दिया गया है। और देखें कि दोनों जो है वो बिल्कुल अच्छे से लॉक कर दिया जाता है, यही जो है वो इसे अप डाउन करते रहता है इस तरह से। देखें अभी न्यू में बिल्कुल फ्री है। कुछ दिन आप जब इसे यूज कर लें तो क्या करें कि यहाँ पर आपको एक मशीन का ऑयल आता है, उसे इसमें डाल दें। उससे क्या होगा कि ये बिल्कुल फ्री रहेगा, उसमें आपका ये वायर जो है या फिर ये जो कवरिंग देख रहे हैं ये खराब नहीं होता है और ये ज़्यादा टिकाऊ हो जाता है। तो देख सकते हैं दोनों सेम है। इस साइड में भी एक लोहे के क्लिप को लगा करके इसे अटैच कर दिया जाता है। ये बिल्कुल सेफ है, इसे मैं आपको लगा करके भी दिखाऊंगा। और अब देखें इस साइड में भी देखें तो यहाँ पर भी एक क्लिप लगा दिया गया है, और इस वायर में जो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये सोल्डर कर दिया गया है ताकि ये वायर यहाँ से रिमूव ना हो। दोनों वायर जो आप देख रहे हैं दोनों में एक एक क्लिप को लगा करके लॉक कर दिया गया है, और इस साइड में दोनों में सोल्डर कर दिया गया है, जो बिल्कुल अच्छे से सेफ रखता है। चलिए अब मैं आपको इस वायर को आपको सेट करके दिखाऊंगा। और ये देखें ये दोनों नट बोल्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर देखें तो ये नट के साथ एक वाशर दे दिया जाता है जो इसे बिल्कुल अटैच करके रखेगा। ये जो हॉल देख रहे हैं इसी हॉल में ये वायर जो है, ये वायर को इस तरह से इसमें इन कर दिया जाता है, जो इस तरह से इन होने के बाद उसके बाद बिल्कुल आसानी से उसके बाद फिर ये वाशर को लगा करके इसमें आसानी पूर्वक लॉक हो जाता है। अभी ये लूज रहेगा, बट जहाँ लॉक करेंगे तो उसकी भी मोटाई कुछ ज़्यादा होती है जो इसे अच्छे से लॉक कर देता है। और अब ये जो देख रहे हैं यहाँ पर ये ब्रेक का जो वायर है, ये देखें ये ब्रेक का वायर जो है यहाँ से टूट चुका है, यहाँ जो लगा हुआ था वो भी टूट चुका है, और ये वायर जो है बिल्कुल ही टूट चुका। मैं इसे देखा पहुँचने पर तो ये बहुत ही छोटा हो गया था, तो मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा और ये वायर की जगह पर मैं दूसरे वायर का यूज करने वाला हूँ। तो इस तरह से ये वायर को निकाल सकते हैं, ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। मैं यहाँ से निकाल लूँगा ये देखें, और इसमें मैं न्यू वायर को लगाऊंगा। और अब देखें ये ब्रेक को मैं यहाँ से निकाल लूँगा। ये जो सिस्टम दिया गया है तो इसे इस तरह से रखें, और रखने के बाद इसे यहाँ पर मिला लें। ये देखें ये दोनों कटिंग जो है वो बिल्कुल कटिंग है, इस तरह से आसानी से ये निकल जाएगा। और ये देखें इसमें लॉक किया हुआ रहता है, तो मैं यहाँ से इसे निकाल दूंगा, ये निकल चुका है। अब मैं यहाँ पर न्यू वाले को सेट करूँगा। देखिए ये आसानी से निकल चुका है अब ये। और अब देखें ये न्यू वाला आ गया। न्यू वाले को मैं यहाँ पर इसमें इन कर लेता हूँ, जैसे कि ये दे देख रहे हैं कि इसमें सेट करने का रहता है। ये इसे सेट कर लें, इसके मिडिल में बिल्कुल आसानी से ये सेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसे सेट कर लेता हूँ। ये देखें सेट होने के बाद, इसके बाद फिर आप इस तरह से लें और इसे इस तरह से घुमा लें। घुमाने के बाद ये साइड जो देख रहे हैं यहाँ से इसमें इन कर देना है, और ये देखें ये लॉक हो जाएगा। फिर इसे भी घुमा दें, इसे भी चाहे तो आप इसे घुमा सकते हैं। ये देखें बिल्कुल आसानी से ये यहाँ पर सेट हो जाएगा। लॉक करने के बाद देखें यहाँ पर जो हॉल बना हुआ है इसमें इन कर लेना है इस वायर को। तो मैं सबसे पहले इसे इन करूँगा,
और ये इस तरह से सेट करते जाएं, कर दिया हूँ। और इसी तरह से मैं इन करके इसे निकाल दूंगा, ये बिल्कुल आसानी से सेट हो जाएगा। फिर दूसरे साइड में आता है तो यहाँ पर भी मैं इसे इन कर लेता हूँ। ये सेट करने का रहता है जो आसानी से इसमें सेट हो जाता है। और अब मैं इसमें सेट कर लूँगा, ये भी बिल्कुल अच्छे से सेट करना है। तो ये देखें इस तरह से लॉक कर लेना है, इसमें मैं इन करूँगा और ये इन हो जाए। ये देखें आसानी पूर्वक ये भी इन हो चुका है। और यहाँ पर ये लॉक करने के लिए मैं इस नट बोल्ट का यूज करने वाला हूँ। तो इस तरह से नट मैं वाशर को इस साइड से, ये देखिए इसमें मैं वाशर को पहले लगा दे रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल अच्छे से लॉक करके रखें, या फिर इस साइड से मैं ऐसे लगा दूंगा। और अब लगाने के बाद इसमें मैं, तो अब देखें मैं इसे इन कर दिया और यहाँ पर मैं इसे लॉक करने के लिए सेट करूँगा। सेट करने के बाद ये जो नट बोल्ट देख रहे हैं, इस बोल्ट को पहले यहाँ पर टाइट करें हल्के से और पहले लूज करके देख लें, ये बिल्कुल अच्छे से टाइट होने वाला है। अब इस वायर को इस तरह से रखें और इन दोनों ब्रेक को आपस में इस तरह से अटैच कर दें। अटैच करने के बाद इस वायर को बिल्कुल ही इस तरह से लॉन्ग में टान लें, कहीं भी लूज ना रखें, इसका साथ थोड़ा सा लूज रख करके ही इसे बिल्कुल अच्छे से टाइट कर लेंगे। बिल्कुल टाइट कर दिया हूँ और अब इस रिंच की हेल्प से इसे मैं बिल्कुल अच्छे से टाइट कर लेता हूँ। तो ये इस तरह से टाइट करते जाएं। अच्छे से मैं टाइट कर लिया और अब मैं ब्रेक लेकर के दिखाता हूँ। तो ये देखें ब्रेक लेने के बाद ये बिल्कुल अच्छे आने से ये ब्रेक भी लग रहा है, कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।